को दिया तो फोन करके बुलाओ किया है। माउलिंचिंग के शिकायत माउलिंचिंग करने वाले लोगों के साथ फोटो खिंचाओगे, अब बात करोगे गवर्नेंस की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे कद्दावर नेता और उनके करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोगों को ये कहते हैं मुस्कुराते हुए कि जाओ किसी भी मुसलमान का कॉलर पकड़ो और उसकी मॉब लिंचिंग कर दो, नारा लगाओ और उसकी हत्या कर दो, नारा लगाओ और उसको कहो कि तुम गाय का गोश्त लेकर के घूमते हो इसलिए तुम्हारी हत्या सरेराज सरेआम करना जायज है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, विजय चौधरी ऐसा क्यों कर सकते हैं, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर के सराय रंजन की खबर हमने आपको दिखाई थी। एक गरीब बेसहारा मुसलमान जो बकरी बेचने और खरीदने का कारोबार करता है उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई की, उसे धार्मिक सूचक शब्द कह करके मुल्ला और क्या क्या कह करके उसको गाली दिया और उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की। वो तस्वीर हेडलाइंस बिहार पे आपने देखी होगी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए कि विजय कुमार चौधरी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने के साथ साथ उस फोटो फ्रेम में जो लोग दिख रहा है ये वही लोग है जो उस मुसलमान को मार रहा था, जो उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रहा था और उसको अदमना कर दिया और उसको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। इस लड़के को देखिए, विजय कुमार चौधरी के बाएं तरफ जितने लड़के खड़े हैं ये सब के सब उस मॉब लिंचिंग में शामिल थे। अब बताइए विजय कुमार चौधरी क्या जवाब देंगे, क्या आप ट्रेनिंग देते हैं विजय कुमार चौधरी जी ऐसे लोगों को? आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी और आपके फोटो फ्रेम में रहने वाले लोगों को आप यही सिखाते हैं कि कोई गरीब बेसहारा मुसलमान मिले तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दो, सरेराम उसे बेइज्जत कर दो, उसकी हत्या कर दो और उसकी पूरी कम्युनिटी को मुसलमान को बदनाम करो? यह सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि विजय कुमार चौधरी जी तस्वीर में जो आप मुस्कुरा रहे हैं आपके बाएं तरफ वो कातिल खड़े हैं जो मुसलमानों को मारता है गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग करता है और उस बूढ़े आदमी को देखिए कितना मासूम, कितना गरीब, कितना असहाय, कितना बेसहारा लगता है। आप लोग ये कहते हैं कि सुशासन का राज है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके लोग हैं, उस तस्वीर में आप ये नहीं कह सकते हैं। और वहां के लोगों ने बताया कि ये लोग विजय कुमार चौधरी के साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है और स्वाभाविक है, जब मुस्कुरा करके तस्वीर खिंचाई जा रही है तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक रिश्ता होगा ही, चुनाव में इनके लिए मदद करते ही होंगे। लेकिन विजय कुमार चौधरी की ये तस्वीर, अब इस तस्वीर पर वो क्या तस्वीर बना करके लोगों को बताते हैं कि ये बाहर का लोग है, ये कहां का लोग है, वही बताएंगे। और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उसमें से एक या दो की गिरफ्तारी हुई, बाकी सब के सब भाग गए हैं, सब के सब फरार हो गए। अब भागेंगे क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के इतने कद्दावर नेते का सर पर आशीर्वाद का हाथ हो तो वो तो कहीं भी भाग सकता है, कहीं भी छुप सकता है, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती है। जब सरकार ही तुम्हारी है, निजाम ही तुम्हारा है, अदालत और सब कुछ आप ही का है, तो कत्ल करने वाला या किसी भी मुसलमान को बेइज्जत करने वाला तो आपके घर में भी, किसी के घर में भी छुप सकता है। लेकिन तस्वीरें सामने आई है कि जिन लोगों ने उस बूढ़े मुसलमान व्यक्ति के साथ ज्यादती की, उसको मारा सरेराह, उसकी बेइज्जती की, उसे धार्मिक, उसे मुसलमान होने की वजह से गाली दी, उसे अधमरा कर दिया और वो आदमी आज भी परेशान है, रोता है रात दिन, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में ऐसा हुआ, इस बात का अफसोस हो ना हो लेकिन ज्यादा अफसोस इस बात का है कि विजय कुमार चौधरी के इर्द गिर्द खड़े रहने वाले लोगों ने उस मुसलमान को गाय और गोबर के नाम पे मारा था, मॉब लिंचिंग की थी। इसलिए यह सवाल उठता है विजय कुमार चौधरी पता नहीं इस खबर को देखेंगे तो क्या जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो आपको देना होगा कि विजय कुमार चौधरी जी अगर आपके पिता की उम्र के किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती तो आप क्या करते, आप तो जेल में डलवा देते उन लोगों को। लेकिन अब तस्वीर देखिए कि विजय कुमार चौधरी की तरफ के साथ जो लोग खड़े हैं, जो लड़का खड़ा है वो सब का सब उस वीडियो में था और उसने उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी।